शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिलाधीश के आदेश पर शराब की दुकानों से शराब बेचने की सहूलियत मिलते ही शराब के दुकान के सामने लंबी कतारें लगी। कोरोना वायरस को देखते हुए पाजगांव के शराब दुकानदार ने ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। जो इसका पालन नहीं करेगा उसे शराब नहीं बेचने की बात कही। नागपुर में जिलाधीश रविंद्र ठाकरे और राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की सहमति बनते ही जिलाधीश के आदेश पर नागपुर जिले की शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की शराब की दुकानें शुरू होगी। ऐसा आदेश आते ही शराब दुकानों के सामने में जिस प्रकार से शराबियों का तांता लगा हुआ था, मानो जैसे उनके लिए किसी अमृत का वितरण हो रहा हो। शराब की बोतलें पाने के लिए हर कोई हर संभव प्रयास कर रहा था। कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़ना, इसलिए पाजगांव के शराब दुकानदार ने ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है। जो इस आदेश का पालन नहीं करेगा उसे शराब नहीं बेचेंगे। दोन महिन्याच्या प्रतीक्षेनंतर आज प्रत्यक्ष आम्ही दारूचा आस्वाद घेणार आहोत। हे तुम्ही बघू शकता, माझ्या मागे आणि पुढे लाईन लागली आहे आणि हे समोर दुकानामध्ये लाईन। आज मी लाईन लागून त्याचा आनंद घेण्याचा, आस्वाद घेण्याचा प्रयत्न करतो। धन्यवाद। अच्छा लग रहा, दोन महिने हो गए अभी तक दारू पीने को नहीं मिला। अभी थोड़ा तसल्ली आ गई कि वह अब दो महीने के बाद दारू पीने को मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा। शासनाचे आदेशानुसार आम्ही देशी दारूची दुकान सुरू केले आहे। त्यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंग आणि मास्क हे अनिवार्य केले आहे शासनाने। त्यानुसार आम्ही प्रत्येक ग्राहकाला सोशल डिस्टन्सिंग ठेवायला सांगितलं आहोत। सोबत त्यांना दाखवासाठी 6 फुटाच्या अंतरावर आम्ही गोलाकार डब्बे आखलेले आहे। तसेच मास्क, सॅनिटायझर आणि टेम्परेचर स्कॅनिंग पण करत आहोत व शासनाचे पूर्ण नियमांचे पालन करत आहोत। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में शराबी काफी ईमानदार दिख रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। पांचगांव से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।